कोरिया जिले में पानी की समस्या से निजात दिलाने वाली योजना के संचार तंत्र फेल हो रहे हैं, जिसके चलते जल आपूर्ति के लिए ग्राम मंधौरा के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। दरअसल यह मामला सोनहत विकास खंड के ग्राम पंचायत मंधौरा का है, जहां 2 साल पूर्व लाखों की लागत से सौर वाटर स्ट्रक्चर बनाया गया था, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा मोटर लगाने के बाद अधिकारी चालू करना भूल गए, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि 30 घरों के परिवार को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सौर ऊर्जा पानी टंकी 2 साल पूर्व लगाई गई थी, लेकिन आज तक इसका लाभ मोहल्ला वासियों को नहीं मिला है। इसके बाद सौर ऊर्जा वाटर स्ट्रक्चर को पूर्ण कराने के लिए और चालू कराने के लिए कई बार मांग भी की गई, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्षेत्रीय ग्रामीण दूर से दैनिक निस्तारी के लिए पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं पीएचई विभाग के ईई का कहना है कि भुगतान का इश्यू है, भुगतान होते ही कार्य पूर्ण होगा और सुविधा बहाल होगी। ये 3-4 साल से बन के तैयार है, लेकिन इसमें न मशीन है न ये कभी एक दिन नहीं चला। अपना अपना सुविधा से पीते हैं, कोई कुआं से, कोई ढोढ़ी, कोई नाला। अरे कई दफे दिए, अधिकारी आए थे, सीओ साहब एक दफे आए थे, तो उनसे मौखिक में बोला गया तो बोले अरे सब का करोगे, पानी तो मिल ना रहा है, इसका लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। प्राइवेट लाभ एक जगह दूसरा कर रहा है, अब ये बना है 4 जगह का सज्जा चीज। आज तक हमको पानी बिना मर रहे हैं आदमी, चौवा छुआ ये 3 साल हो गया असम तैयार है। इसमें क्या कमी है? ये मोटर डाल के इसमें पानी चढ़ाना रहा, और बाकी यही कमी है। मोटर भी निकाल के ले गए, हेड पंप रहा तो चलता रहा, और मांग कई बार किए बाकी सुनाइए नहीं होता है। ये पटेल के पास कई बार बोले इसको हेटे पंप लगा दो, कुछ नहीं बनेगा, तो और गंगा योजना कहे बना है तो आज तक पानी की सुविधा नहीं दे रहा है। सतत निर्देश बनाकर मीटिंग लेकर इस कलेक्टर महोदय के द्वारा भी लगातार इसकी समीक्षा की जाती है और प्रतिमाह उसकी समीक्षा कराया जाता है कलेक्टर महोदय के द्वारा। इसके साथ साथ विभाग स्तर से भी हर 15 दिवस में समीक्षा की जा रही है। कुछ मानव संसाधन की कमी, कुछ भुगतान समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, जिनके कारण आप लोग स्वयं देख रहे हैं अभी पेपरों में छप रहे विगत 2-3 दिवसों से कि भुगतान संबंधी समस्या होने के कारण कार्य प्रगति प्रभावित है। तो जैसे ही इन मुद्दों का समाधान होता है तो प्रगति बढ़ना बहुत ही संभावित है और हम इसके लिए प्रयासरत हैं।